भाई साहब हम पकौड़े नहीं बेच सकते, हम भी पांच बड़े हुए हैं पर पकौड़े नहीं बेचेंगे। जैसे ये कह रहे हैं चाय बेचो पकौड़े, इनको ये बताओ भाई अडवाणी के बड़े बड़े मिनिस्टरों के किस लड़के ने चाय बनाई हो, पकौड़े बांटे हो या कोई औस मिट्टी मुट्टी का बर्तन बांटे हो, मैं तो आज तक देखा नहीं ऐसा प्रधानमंत्री। भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत है दूसरी जिसमें लगातार सरकार पर सवाल किए जा रहे हैं और सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। महापंचायत में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ बाऊजी मौजूद हैं। बाऊजी, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और जो सरकार की नीति किसानों को लेकर है उसे किस तरीके से देखते हैं। भाई साहब, मेरा नाम है सतनाम सिंह गोसल, मैं संबलेड़ का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप लुधियाने से, मेरे दोस्त यहाँ न्यूजीलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, अब मैं पर्सनल जर्मन हूँ। आप पर्सनल जर्मन से यहाँ पर किसानों को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हुए हैं? बिल्कुल, मैं इंटरनेट पे यूट्यूब पे इनको बहुत देखता था, क्योंकि अखिलेश चौधरी जी हमारे रियल फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था इस प्रोग्राम पे आज जरूर आना, पर मैं बीमार हूँ क्योंकि मेरे एक नाड़ का प्रॉब्लम आ गई थी पैर तले फिसकने से, पर फिर भी मैं आया हूँ। फिर भी आप यहाँ किसानों की हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री ने ओपन मैगजीन में इंटरव्यू दिया जिसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया किसानों के लिए उसे बताया गया ये भांड प्रदर्शनकारी हैं, ये नकली किसान हैं, राजनीति कर रहे हैं। एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते युवाओं पर किस तरीके से असर पड़ेगा जब देश के प्रधानमंत्री ही अपनी गरिमा भूल जाएंगे? भाई साहब, हम पकौड़े नहीं बेच सकते, हम भी पांच बड़े हुए हैं पर पकौड़े नहीं बेचेंगे। जैसे ये कह रहे हैं चाय बेचो पकौड़े, इनको ये बताओ भाई अडवाणी के बड़े बड़े मिनिस्टरों के किस लड़के ने चाय बनाई हो, पकौड़े बांटे हो या कोई औस मिट्टी मुट्टी का बर्तन बांटे हो, मैं तो आज तक देखा नहीं ऐसा प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा है। बाऊजी, आपने पूरी दुनिया देखी है क्योंकि जर्मन से आप हैं, तमाम चीजें आप लगातार सोशल मीडिया के जरिए देखते रहते हैं। देश की जो छवि विदेशों में बन रही है भारत सरकार की नीतियों को लेकर के, उसे किस तरीके से देखा जा रहा है बाहर? बाहर इनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती है, मैं क्या मोदी की खास बात बताता हूँ। हमारे से 30 किलोमीटर पर एक फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी खुशी हुई इसका जब मैंने कपड़े देखे करोड़ों के, मैं ये तो प्रधानमंत्री सोने का, पर इसने क्या खरीदा भाइयों, ये सुन लो क्या खरीदा। वहाँ गया, इसने जुए की मशीनें खरीदी, वो मेरा दोस्त वहाँ काम करता है, उसने मुझे बताया भी ये सिर्फ दस्तखत करने आया था भी जुए की मशीनें लगाई जाए। जुए की मशीनें जो हैं वो देश में लगाने के लिए उन्होंने खरीदी थी, पर अभी हाल ही में अमेरिका दौरा देश के प्रधानमंत्री ने किया, जो शैली थी देश के प्रधानमंत्री की वो कहीं ना कहीं गायब थी क्योंकि इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप की सरकार के नारे लगा रहे थे। अब बाइडेन सरकार से जब आमना सामना हुआ किसानों को लेकर के, कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री से अपील की कि इस मसले को सुलझाना चाहिए, पर देश के प्रधानमंत्री इसे सुनना नहीं चाहते। कितनी देश के लिए शर्मनाक बातें हो रही हैं। कहाँ से शुरू करें, जब हम बिके हुए हैं तो हम भला कैसे कर देंगे, हम तो किसी से खरीद रखा है, हमें पिंजरे में बंद है, तो जब पिंजरे में बंद है वो वैसे बोलेगा जैसे उनसे चोट लगेगी। ये तो कठपुतली है, कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इनकी योगी हमारी तो बात ही नहीं, योगी तो दान करते हैं, गाय तो हमारे गांव में सारा घास नहरा घास जो भी था चाट रही है। अगर इनके पास नियम लाना था तो पहले लाना, पहले गाय के लिए मैं पशुपतिनाथ रहा हूँ, पर यहाँ क्या दिख रहा है, हमारे पंचमुखी के चारों तरफ गाय फिर रही है, गौशाले में गाय नहीं देती, पैसा कहाँ गया भाई, पैसा कहाँ गया, ये भी सवाल लगातार खड़ा हो रहा है क्योंकि मुफ्त वैक्सीनेशन की बात की जा रही थी देश के प्रधानमंत्री द्वारा कि मुफ्त वैक्सीनेशन सबको लगाया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि देश के प्रधानमंत्री की जो वैक्सीनेशन पर तस्वीरें हैं वो हटाई जाएंगी, जीमेल से तस्वीरें हटाई जाएंगी। हर जगह जो अपना प्रचार प्रसार भाजपा कर रही है वो कितनी घातक है? ये दोनों चाहे कैप्टन हो चाहे मोदी हो, ये फोटो ही बदलते हैं, जैसे कुशलगंज पे लिखा था इंदिरा गांधी के टाइम में हम गरीब भी हटाएंगे, अब जब पेशाब करते थे बड़ा करते थे, अब तक उसका भी रिएक्शन नहीं है। ये तो जब से आए हैं ये बिके हुए हैं, इंग्लैंड वालों के अमेरिका वालों के चमचे हैं, ये इंग्लैंड वालों और अमेरिका वालों के चमचे हैं। किसानों की आवाज को विदेशों में किस तरीके से देखा जा रहा है? हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा पूछा आपने।
देखो मेरे जो दोस्त हैं जिनका मैंने नाम लिया कंट्रियों का, ये अमेरिका में इसके काले कानून का रिजल्ट देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं जर्मन से आऊँ, मेरा दोस्त था उसके पास 50 एकड़ जमीन है पर उसकी रोटी नहीं चलती, वो साइड में बैंक में काम करता, घर वाली पोस्ट में काम करती है, हाफ डे पे तब तब हमारा गुजारा होता है। ये कौन सा कानून है जो ये नया लेके आए जो हमें नहीं पता, ये चूतिया किसी और का बनाए हमारा मत बनाए, धन्यवाद। ये बहुत सारे मंत्री हैं उनमें जाकर बैठ जाए, ये बहुत सारे मंत्री उनमें जाकर के बैठ जाए। मैं आखिरी सवाल आपसे बाबूजी लेना चाहूंगा, क्योंकि किसानों को 10 महीने हो चुके हैं सड़कों पर बैठे, सिंधु बॉर्डर की बात की जाए चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, महापंचायतें चल रही है, खाप पंचायत जगह जगह चल रही है, देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि वो टस से मस होने वाले नहीं है, तो कैसे देख सकते हैं चीजों को? देखो ये रिश्वत लेकर तो सारे काम हो रहे हैं, तो इन्होंने मोटी रिश्वत ली है, हेलीकॉप्टर भाड़े दे देंगे जो सोने के लगते हैं, मुझे उसमें क्या निकला, ढोल में पोल। अब इनकी जो पोल है और खुलने वाली है तो हम प्रूफ है देते, प्रूफ लिखित तौर पर प्रूफ देते हैं, ये झूठे हैं, बेईमान है, हराम खोर है, ये झूठे हैं, बेईमान है, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है। 2022 के चुनाव की अगर बात की जाए, किसान सड़कों पर है, हर जगह छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौकरी लोगों के पास नहीं है, जो थी वो छीन ली गई है, पर देश में जो एक नफरत की राजनीति इन लोगों ने कायम की है, सभी देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम तो यही कहेंगे भाई, वोट शराब की बोतल में दो या अपने रिश्तेदारों को मत देखो, उसकी इंटेलिजेंसी देखो, पढ़ा लिखा देखो, नौजवान देखो, उसकी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दो। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ पर देर आंधेर। तो यहाँ पर बाबूजी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है और दुनिया में किस तरीके से देश की छवि को बदनाम किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, क्योंकि बड़े बड़े दावे तो देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हैं पर असल में जब जमीनी स्तर पर आ रहे हैं तो वो खोखले नजर आ रहे हैं। बाबूजी जर्मनी से किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ आ चुके हैं, देश में लगातार महापंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं, पर आज तक भाजपा का कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। शायद अब 2022 के चुनाव करीब आ चुके हैं तो किसानों के पास भी आएंगे, और जब किसानों के पास आएंगे तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बाबी मैं तो कहता हूँ सबक तो सबक, इन किसानों की धोती पजामे फाड़ दे, धोती पजामे फाड़ दे, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि वादा खिलाफी जनता के साथ हुई है, किसानों के साथ हुई है, और जो देश की एकता अखंडता और देश की छवि को बदनाम लगातार भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसे बदलना अब जरूरी हो चुका है।